अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था साइंस का, एनिमल वर्ल्ड। उसका फर्स्ट टॉपिक एनिमल ऑन लैंड, सेकेंड टॉपिक एनिमल्स इन वाटर। टुडे आवर टॉपिक इज एनिमल्स इन द एयर। नॉट ऑल एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। सम एनिमल्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द एयर। तमाम जानवर जो हैं वो ज़मीन पर या पानी में नहीं रहते। कुछ एनिमल्स अपना ज़्यादातर टाइम जो है हवा में गुजारते हैं। बर्ड्स फ्लाई थ्रू द एयर। परिंदे जो हैं हवा में उड़ते हैं। उनमें कुछ एग्जांपल्स हमें दी गई हैं, उनमें बैट्स हैं और बटरफ्लाइज हैं। इसके अलावा आप लोगों को भी पता होगा बहुत से बर्ड्स हम लोग देखते हैं, स्पैरोज़ हैं, पैरट्स हैं, ठीक है। बैट्स फ्लाई थ्रू द एयर, बटरफ्लाइज फ्लाई थ्रू द एयर, ये सब हवा में उड़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोगों ने वाटर एनिमल्स का पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला ने उन जानवरों की स्किन इस तरह से बनाई, इस तरह से उनकी बॉडी बनाई है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम पानी में गुजार सकते हैं। जैसे हम लोगों ने फिशेज का पढ़ा था, तो वो उनकी बॉडी जो है वो उनकी हेल्प करती है उन्हें पानी में रहने के लिए। सेम इसी तरह बर्ड्स जो हैं उनकी बॉडीज़ भी इसी तरह से बनाई गई हैं। अल्लाह ताला ने उनकी बॉडीज़ इस तरह से बनाई हैं कि वो हवा में सर्वाइव कर सकते हैं, अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो हवा में गुजार सकते हैं। नेक्स्ट है, एनिमल्स दैट स्पेंड टाइम इन द एयर हैव बॉडीज दैट हेल्प देम गेट अप एंड स्टे अप इन द एयर। जो परिंदे हैं, जो एनिमल्स हैं, जो अपना टाइम ज़्यादातर टाइम जो है हवा में गुजारते हैं, उनकी बॉडीज इस तरह से बनी हैं कि वो अपना टाइम इजीली हवा में गुजार सके। जैसे हमारे विंग्स नहीं हैं, हमारे फीडर्स नहीं हैं, लेकिन बर्ड्स के हैं, इसलिए वो हवा में रह सकते हैं और इजीली उड़ भी सकते हैं। दे हैव विंग्स टू हेल्प देम टेक ऑफ फ्लाई एंड लैंड। बर्ड्स में विंग्स उनके बॉडी पार्ट्स हैं जो उनकी हेल्प करते हैं हवा में उड़ने में या फिर ज़मीन पे वापस आने में। सम एयर एनिमल्स लाइक बर्ड्स हैव फीडर्स टू हेल्प देम ग्लाइड थ्रू द एयर। दे हैव बीक्स टू हेल्प देम पिक अप ग्रेन्स एंड सीड्स टू ईट। हवा में रहने वाले जो जानवर हैं जैसे कि परिंदे, उनके पास फीडर्स हैं। फीडर्स क्या हैं मैं ये आपको एक बार डिटेल बता दूंगी। वो उनकी हेल्प करते हैं हवा में रहने में। इसके अलावा उन्हें गर्म भी रखते हैं। दे हैव बीक्स, उनके पास चूंच होती है जिनसे वो खाना खा सकते हैं, कोई भी चीज़ खा सकते हैं, सीड्स या ग्रेन्स कुछ भी खा सकते हैं। इसके कुछ पार्ट्स बताए गए हैं, बीक, विंग्स, फीडर्स। विंग्स वो हैं जो बॉडी के साथ अटैच पार्ट है, और फीडर्स उनके ऊपर जो फ्लफी टाइप मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल जो है, उन्हें फीडर्स बोला जाता है। फीडर्स ही हैं जो उन्हें गर्म भी रखवाते हैं और उन्हें गर्म रहने में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा उन्हें बारिश से बचाते हैं। फीडर्स डू नॉट हेल्प ओनली हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। फीडर्स जो हैं उनके पर्स जो हैं वो सिर्फ उन्हें हवा में उड़ने के लिए हेल्प नहीं करते, इसके अलावा दे ऑल्सो कीप बर्ड्स वार्म एंड कीप रेन ऑफ देम। वो परिंदे को गर्म रखने में हेल्प करते हैं और उन्हें बारिश से बचाते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को नोट्स पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे और इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे।